हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृणाल और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हम हमारे कंप्यूटर में कोई भी फाइल को फास्ट सर्च कैसे करें। फास्ट सर्च करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर में जो स्टार्ट मेनू है डिफॉल्ट सर्च है उसका यूज करते हैं और एक दूसरा माय कंप्यूटर में ये जो सर्च है उसका यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों सर्च है ना बहुत टाइम लगा देते हैं सर्च करने में। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये रहा उबंटू इंस्टॉल डॉट पी डी एफ करके एक फाइल है, हम वो फाइल को अब हम सर्च करते हैं। ये फाइल मेरी एच डाई में है, यहाँ पे सर्च किया डिफॉल्ट सर्च में, कॉपी पेस्ट करके देखो ये तो नो बता रहा है आइटम मैच। अब हम यहाँ पे जाके कंप्यूटर में सर्च करते हैं, ये देखो ये अभी तो सर्च लगा है, सर्च होने लगा है और ये बहुत टाइम लेगा सर्च करने में, अभी तो सर्च नहीं हुआ तो चलो छोड़ो इसे, ये बहुत टाइम लेगा, ये मज़ा नहीं आएगा आपको इसमें सर्च करने के लिए। तो मैं आज आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप कोई भी फाइल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी वीडियो हो, वो आप विथिन वन से टू सेकंड में अपने पास अपने सामने ला सकते हैं। तो देखो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल में, गूगल में जाके टाइप करें क्विक सर्च। क्विक सर्च करके एक सॉफ्टवेयर है, ये क्विक सर्च करके एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप आसानी से फाइल को सर्च कर सकते हैं। ये रहा क्विक सर्च करके, ये आ गया, इसमें जो दूसरी वाले लिंक है glarysoft.com, यहाँ पर और ये सॉफ्टवेयर फ्री में है, इसका कोई चार्ज भी नहीं है। तो ये रहा, यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करें, डाउनलोड हो गया, इसको अब हम ओपन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट, आई एग्री, इंस्टॉल, नेक्स्ट का आइकन, चलो इंस्टॉल हो गया, यहाँ इसकी वेबसाइट खुल गई है। तो ये उसका सॉफ्टवेयर है, खुल गया सॉफ्टवेयर। तो चलो अब उस फाइल को यहाँ पे सर्च करते हैं, कौन सी थी फाइल, उबंटु इंस्टॉल डॉट पी डी एफ ये फाइल है, हम इसे सर्च करते हैं उबंटु इंस्टॉल, ये आ गई। जैसे ही हमने टाइप किया वैसे विथ इन 1-2 सेकंड में हमारे सामने फाइल रिप्रेजेंट हो गई है। तो देखो दोस्तों ये कितना फास्ट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कोई भी फाइल को आसान तरीके से सर्च कर सकते हैं। इसे ओपन करते हैं, हम आ गए, उबंटू के बारे में सब कुछ समझाया हुआ है। तो चलो इसे हम मिनिमाइज कर ओपन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब हम दूसरी फाइल लेते कोई भी, ये टाइम एक लेते, इसका नाम है kingkong.jpg, ये फाइल है। तो ये फाइल को हम सर्च करते वहाँ से सर्च किया kingkong, सर्च किया तो ये kingkong करके जितने भी फाइलें हमारे कंप्यूटर में होती है वो सब हमारे सामने आ जाती है। तो इसमें ये देखो kingkong.jpg करके ये फाइल है, ये आ गई, देखो आ गए। तो ये सॉफ्टवेयर सर्च करने में इतना फास्ट है ना, सिर्फ हमें सॉफ्टवेयर का या हमारी फाइल का या हमारा कोई वीडियो हो या म्यूजिक हो कोई भी चीज़ हो, सिर्फ हमें उसका नाम मालूम होता है तो वो ये सॉफ्टवेयर नाम टाइप करते ही हमारे 1-2 सेकंड में वो फाइल को हमारे सामने ला देता है। वह ये सॉफ्टवेयर है ना मेरे कंप्यूटर में देखो आप कितने GB की हार्ड डिस्क है, 799 GB, 962 GB, 270 GB, 39.5 GB, 310 GB, 310 GB, तो ये सब टोटल मिलाकर 3000 GB आसपास होती है। तो ये 3000 GB में से ये जो सॉफ्टवेयर है क्विक सर्च वो बहुत आसानी से 1-2 सेकंड में हमारे सामने फाइल ला देता है। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है, उसका नाम है क्विक सर्च, मीन्स
हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइलें होती है उसे ये सॉफ्टवेयर फास्ट सर्च करके हमारे सामने दे देता है। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है क्विक सर्च, ये जो विंडो का डिफॉल्ट सर्च है, इससे सर्च करने में कई ज़्यादा अच्छा है, जो आपको सर्च करके फाइल को आसानी से आपके सामने ला देता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।